मुनिदान अर्थात धन्ना एवं शालीभद्र का वृत्तांत भाग एक। प्रतिष्ठापूर्ण अर्थात वर्तमान पैठन, वहाँ नैसार सेठ के चार पुत्र थे। छोटे पुत्र का नाम था धन्य कुमार। सेठ ने इस पुत्र का नाम धन्य कुमार इसलिए रखा कि उसका जन्म होते ही सेठ की रिद्धि सिद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने लगी। सेठ धन्य धन्य होने लगे, इसलिए उन्होंने इसका नाम धन्य कुमार रखा। धन्य कुमार चतुर एवं बुद्धिमान था। एक बार सेठ ने प्रत्येक पुत्र को 32-32 मुद्राएं देकर कहा, जाओ अपना भाग्य आजमाओ। चारों भाई मुद्राएं लेकर रवाना हुए। एक गया पूर्व दिशा में तो दूसरा गया अन्य दिशा में। चारों अलग अलग गए। उन्होंने आगे जाकर अपनी इच्छा अनुसार वस्तुएं खरीदी, परंतु उनमें से तीन पुत्र जब घर लौटे तो 32 में से एक भी मुद्रा उनके पास नहीं बची। धन्ना ने विचार किया, इतनी मुद्राएं से क्या व्यापार किया जाए। उसने एक भेड़ ली और राजमार्ग से अश्व की तरह उसे लेकर चला। इतने में उधर से राजकुमार निकला। उसे भेड़ लड़ाने का अत्यंत शौक था। उसने धन्ना को कहा, क्या तेरी भेड़ मेरी भेड़ के साथ लड़ानी है? हाँ लड़ा ले। जिसकी भेड़ हारेगी उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी, राजकुमार ने शर्त रखते हुए कहा। धन्ना ने राजकुमार की भेड़ को घूर घूर कर देखा, अपनी भेड़ को भी देखा और शर्त स्वीकार कर ली। दोनों भेड़ों का संघर्ष हुआ। धन्ना को विश्वास था कि राजकुमार की भेड़ भले ही हृष्ट पृष्ट हो, परंतु मेरी भेड़ सुलक्षणी होने से पराजित नहीं होगी। हुआ भी ऐसा ही, राजकुमार की भेड़ पराजित हो गई। धन्य कुमार घर आया और पिता के चरणों में 1000 स्वर्ण मुद्राएं रखी। माता पिता और भाभियाँ प्रसन्न हो गई। भाई फीके पड़ गए और कहने लगे, इसमें क्या बड़ा कार्य किया, ये तो जुआ है, सच्चा धन है क्या? सेठ ने दूसरे दिन पुनः 32-32 मुद्राएं देकर चारों पुत्रों को भेजा। अनेक विचारों के पश्चात तीनों ने व्यापार किया, फिर भी मूलधन में से भी कम हो गया। धन्ना बाजार में खड़ा था। वहाँ उसने एक चांडाल के पास रत्नमय पलंग देखा। धन्ना ने उसे पूछा, क्या बेचना है? चंडाल ने कहा, हाँ। धन्ना ने उसे पूरी 32 मुद्राएं दे दी और पलंग लेकर वह घर लौटा। घर आकर इस उपले अलग किए तो जगमगाता चमकते रत्नों का ढेर लग गया। ये पलंग मूल में तो पैठन के महेश्वर सेठ का था। मरते मरते भी उसने पलंग के पायों में धन भरा और अंत तक उसने पलंग नहीं छोड़ा। पुत्रों को प्रतीत हुआ कि पिताजी को पलंग प्रिय था, अतः निकाल दे उनके साथ। पलंग उनके साथ निकाला गया और चांडाल को दे दिया, परंतु चांडाल का ऐसा सद्भाग्य कहाँ कि उक्त पलंग उसके पास रहे। पलंग का धन धन्ना के भाग्य में था, अतः वह उसके घर आया। धन्ना इतना इतना धन लाया, फिर भी बड़े भाई तो उसकी ईर्ष्या ही करते, जिससे धन्ना तंग आ गया और घर छोड़कर प्रातः शीघ्रता से अकेला निकल गया। चलते चलते मार्ग में एक खेत आया। धन्ना उस खेत के किनारे बैठ गया। मध्याह्न का समय होने से खेत का किसान भोजन करने बैठा और धन्ना को भोजन करने का निमंत्रण दिया। धन्ना को भूख तो लगी थी, परंतु मैं बिना परिश्रम किए नहीं खाऊंगा, ये कहकर उसने भोजन करने से इनकार कर दिया। धन्ना ने हल लिया और उसे जोत कर तनिक आगे बढ़ाया तो वह भूमि में उतरा। धन्ना ने तनिक बल लगाया तो कड़िंग की ध्वनि हुई। धन्ना और किसान झुके तो उन्हें स्वर्ण के साथ चरु दृष्टि गोचर हुए। किसान ने कहा, भाई ये चरु तुम्हारे? धन्ना बोला, नहीं भाई, खेत तुम्हारा है और धन मेरा कहाँ से? खेत तो मैं वर्षों से जोतता रहा हूँ, अभी तक क्यों चरु कभी नहीं निकले? किसान ने कहा। धन्ना तो चलने लगा, परंतु किसान ने वहाँ गांव बसाया और उसका नाम रखा धन्यपुर। धन्य कुमार घूमता घूमता उज्जैनी पहुँचा। रहा राजा की ओर से एक ढिंडोरा पीटा जा रहा था, जिसमें घोषणा की जा रही थी कि सरोवर के तट पर खड़े रहकर सरोवर के मध्य स्थित खम्भे को जो गांठ लगा दे उसे राजा मंत्री बनाएंगे। धन्य कुमार ने उक्त गांठ लगा दी। उसने ऐसा किया कि सरोवर के तट पर स्थित एक वृक्ष से रस्से का सिरा बांध दिया और दूसरे सिर को हाथ में रखकर संपूर्ण सरोवर के तट पर फिरा। तत्पश्चात वृक्ष से बंधा सिरा खोलकर उसका फंदा बनाकर उसमें दूसरा सिरा पिरो दिया और आमने सामने खींचा, जिससे रस्सी की गांठ खम्भे को लग गई। धन्य कुमार उज्जैनी के राजा चंड प्रद्योत का मंत्री बन गया।
एक दिन धन्य कुमार अपने महल की अटारी पर बैठा था। उस समय उसने दिनहीन दशा में अपने परिवार को दूर से आता हुआ देखा। वह तुरंत नीचे उतरा और अपने परिजनों को ले आया। उन्हें घर, वस्त्र, आभूषण आदि सब दिए और पूछा कि ऐसे कैसे हो गया। धन्य के पिता ने कहा, तू घर से चला गया, ये बात जब राजा को ज्ञात हुई तब उसने हमें धमकी दी और धन संपत्ति छीन कर हमें निकाल दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात यहाँ भी भाइयों ने उपद्रव किया, अतः भरा पूरा घर छोड़कर धन्य वहाँ से निकल पड़ा और जा पहुँचा राजगृही नगरी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।